हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। 14 अप्रैल को हम गए थे शिव जी के मंदिर में पूजा कराने के लिए। शिव जी के मंदिर का ही ब्लॉग बनाकर लाए थे वहीं से। तो ये मेरे गांव में ही, मेरे गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। ये मंदिर में मतलब उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पर है। मंदिर का ही एरिया कुछ झारखंड भी है और कुछ उड़ीसा भी है। तो इस मंदिर की खासियत यह है कि, ऐसे तो बहुत सारा कहानी इसके बारे में है, लेकिन इसमें खासियत यह है कि यहाँ पे जो भी जो मन्नत लेकर जाता है उसका जरूर पूरा होता है। लेकिन यहाँ मंदिर का एक शर्त है, मतलब बोला जाता है शंकर जी का एक शर्त है कि इसी मंदिर में आपको रहना है और इसी मंदिर में जो भोग लगता है पंडित जी, मतलब जो भोग देंगे आपको, वो खाकर आपको दिन गुजारना है। और मंदिर के पास ही एक तालाब है, उस तालाब में डेली सुबह में स्नान करके जल लाकर शिव जी पर डालना है और दिन रात यहीं पर रहना है। तो 10 दिन में, 15 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 6 महीना में, कुछ दिन में शिव जी खुद प्रसन्न होकर के उसको सपना देते हैं और उसके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को उसको हल बताते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। तो आप लोग देखिए किस तरह से बना है वीडियो, ऐसा आप लोगों को अच्छा लगेगा। जी देखिए, यहाँ पे उड़िया, हिंदी और बांग्ला तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मंदिर के पास छोटा छोटा दो मंदिर बना हुआ है। मंदिर के गेट में घुसते समय एंटर जहाँ करते हैं उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में छोटा छोटा दो मंदिर, ये मेन मंदिर है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी हम दिखा दिए, सोचे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मेन मंदिर, मंदिर के पास एक कुआँ है उसी इधर राइट साइड में, वहीं से जो भी भक्त आता है हम लोग जल 10 रुपया लोटा मिलता है। एक लोटे का 10 रुपया हम लोग लेते हैं, हम भी लिए यहाँ से और ले करके वहाँ जल चढ़ाया जाता है। कुछ तो दिखा नहीं, अंदर काम सूट किए, कुछ दिखा नहीं। ये है मंदिर का गेट, मेन गेट है, इसे मंदिर के अंदर जाना है। छोटा सा है बहुत, ऐसे शिव जी के मंदिर तो सभी जगह छोटा होता है। गेट लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगा रहता है। ये है मेन जगह, शिव जी का स्थान है। हम तो पहले पूजन करा लिए थे, उसके बाद फिर बाद में शूट किए, पहले सोचे पूजन वगैरह करना चाहिए उसके बाद शूटिंग वगैरह। तो देखिए, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ कमेंट में लिखिएगा ताकि हमको पढ़कर अच्छा लगे, कैसा बना है, अच्छा बना है।